विश्राम। शिखर की धरती से माँ सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मानित किए। बहुत बहुत प्रणाम सब लोगन के, बहुत बहुत प्रणाम। बड़ा गजब के बना दिले हो नो बस। अगर ये करे पड़ी जाए लक्ष्मण बगले हैं नहीं लक्ष्मण के नहीं सहे पहला एक फौजी भाई होवन वाह बालू के रेता में आओ सब पे तो असर कर जाए। मोदी जी के लड़का गोविंद यादव आपकी तरह से सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार और 1 रुपए का पुरस्कार देख के सम्मानित किए। नहीं तोहरे लायक हो वाह। अब वही चेक कर चिंता मत कर। बहुत बढ़िया भी रहा आप लोग उधर से सुन ला। एक फौजी जवान की गाथा। फौजी जवान का जीवन का होला बाहर लेका माई का जान बचावत बचावत अपने जान का कुर्बानी दे गयल। ये होला बाबू फौजी जवान का जिंदगी। बहुत बढ़िया विराह आप लोग सुन ला। आइए एक छोटा सा विराह ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट के वीर रस में। हाँ एकदम छोटवारे रही। हाँ छोटवार रही ताकि ज्यादा आप लोग बोर मत ना हो। तब 2 घंटा का रही वीर रस में। उधारी आप लोग एक फौजी जवान का गाथा सुन ला और इधर से पहलवानी वीर रस एक पहलवान का गाथा आप लोग सुना। आवा मास्टर झटके मामो जाके सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। एक लाइन कभी जी कव्वाली के भाव में इशारा करत हुन कैसे मास्टर।
भैया तीर जाती जब सारे गरजता है तो जड़ी आती रवानी है, जब जोर पे जोर चढ़े तो जग जाती जवानी है। अरे भाई सलाई बना के वाह एक और दे का गोड़े मन है बदे घोड़े में वो नहीं बांधेलन वाह कमर में बांधेलन वाह वाह हम लोग इलाहाबादी हुई कमर में और घोड़े में नहीं माथ में बांधल जाला अपने अपने इलाका का सब वसूल होला ओम प्रकाश पाल और गोपीनाथ मिश्रा हिंदुस्तान पत्रकार चुनार शिखर मिर्जापुर सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार और ये अर्थात गीता और साथ में 100 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मानित किए भैया के बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम ढोल फूटी ना ती तेरे पतर की चमड़ी से मढ़ाई वाह वो कहाँ का उतरे ढोल इतना जल्दी न फूटी वाह चिंता मत करा ई हाँ जो हरी बाबा कहानी के समझ ली प्रयागराज में तहसील फूलपुर जब हड़िया से थोड़ा से आ गए आप लोग जीबा सैदाबाद सैदाबाद के बगल ढोकरी ग्राम सभा वही ढोकरी गांव का रहे वाला जकर नाम बतावल गई लल्ला सिंह तूफानी इस्माइल घरे रखे
हारमोनियम के बड़े ही सुंदर मास्टर मुन्ना मास्टर त्रिभुवन शर्मा का परम मित्र होवन, जहाँ भी कार्यक्रम होला ये दोनों लोग बड़ा दूरी दूरी कार्यक्रम सुने खाते जालन। ये दोनों जने लंगोटिया यार हुआ सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मानित किए। बहुत बहुत प्रणाम। पोखरी ग्राम सभा का रहे वाला जी का नाम बताओ कि लल्ला सिंह तूफानी। लल्ला सिंह तूफानी के एक लड़की रहल जो लड़की का नाम रख ले बड़ा प्रेम से ललिता है। ललिता बड़ा दिन के बाद एक लड़का का जन्म भयल जो लड़का का नाम बड़ा प्यार दुलार से रखला शिवपाल। बेटा के गोदी में के लेके दुलारत हो मठारत हो ये बेटा तू डॉक्टर बनबा, ये बेटा तू इंजीनियर बनबा, ये बेटा तू कलेक्टर बनबा, ये बेटा तू कंडक्टर बनबा। ये कहूं बेरी ना कले बाबू की ये बेटा तू पहलवान बनबा। ये बतिया करजवा में बैठ गए बाबू हमार तमाम बात गिना ले गई ना लेकिन एक बार ना कले कि बेटा तू पहलवान बनबा। सोचा लगा धीरे धीरे उम्र बढ़े लागल 5 वर्ष का हो गयलन बाबू जाके एडमिशन कराए दिलन पढ़े ना जात हुआ धीरे धीरे 7 वर्ष का हो गयलन। माई कली की बेटा चला तो है तैयार कदी स्कूल ना जाइब का कले ना माई हम स्कूल ना जाइब काहे ना जाइब बतावे लेकिन यार एगो गीत लगल मास्टर माई के आवाज लगा के कहले हो का कहले हो तो सुनली कि हमनी के भुला गईलो माई हो पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। लेके जाके शिवपाल माई से कहले कि हे माई हम पढ़े ना जाई काहे ना जाई बतावे
लड़ाई ना करे, हम केवल पहलवान बने। अरे भाई बड़ा क्रोध में बड़ा धीरे धीरे उम्र हो गई 10 वर्ष का, 10 वर्ष का हो गया शिवपाल। कले की माई हम पढ़े लिखे ना जाई, हमार विचार हम केवल पहलवान बने। घर का जितना बकरी रहली बड़ा क्रोध में सब बकरी लेके चल दिले, आ लेके गइलन कहां बगल के जंगल में। चरावे लगलन, साथियन के साथ में रियाज मारे लगलन, कबड्डी खेले लगलन, साथ में ललिता बहिन और शिवपाल साथियन के साथ में वही जंगल में रियाज मारत हुमन। बड़ा क्रोध में हुआ, घर जाए बंद कर दिले हुमन। बहिनिया सुबह शाम दोपहर का भोजन ले जाके शिवपाल के वही जंगल में दली भोजन करत हुमन, बकरी चरावत हुमन, वही जंगल में रियाज मारत हुमन, कुटिया बना के ठुमड़ा बना के वही जंगल में रहत हुआ। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गयल, अरे भाई अच्छा खासा पहलवान हो गई हुआ। हर जगह शिवपाल के पहलवानी का चर्चा बा। काफी दिन गुजर गयल, सोचत हुआ आखिर में कितना दिन ही जंगल में हम रहे, कितना दिन ही जंगल में मड़ा बना के रहे। विचार बदल गयल, कल की काहे ना यही जंगल में अपना लेगो मकान बना ली। विचार बदला तो कैलन का मास्टर गीत भी बदल गए। कोनो प्रेमी और प्रेमिका के बात बा, प्रेमिका अपना प्रेमी लगे फूल लगा के कहे हेलो जान कहाँ बड़ा हो तू, तो जन्मे करेला ना कि 24 घंटा में एक बार तुहार चेहरा ना देखिला तो हमार रहल मुश्किल हो जाला। काहे से हमरा के तोहरा से ऊन हो गई हा, ऊ हो गई हा, ई सार कोने कंपनी से निकलल बा। कहे का कहे मास्टर, राजा
बड़े ही सम्मानित आप जमुना यादव और विराह के बड़े ही अच्छे गायक कलाकार सुरेंद्र यादव, आप दोनों लोग मंच पे आ जाइए, आप लोगों का सम्मान हो जाए। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। आपकी तरह से सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार, एक शुक्र पे का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन श्रीपाल के विचार बदल गयल, आज विचार बदल बात रतिये में करत का हुआ। अब भी करवा लेता हूँ मकर संक्रांति की रात्रि। अब तो हर त्योहारे दो दिन हो गए, पहले खिचड़वार का त्योहार 14 जनवरी के मनावल जाए, अब तो बाह लगा कैसे मनावे पंडित जी शनिवार के दान न ले पहना, यही से अब एक दिन ना दो दिन त्योहार हो गई बा। पहले त्योहार फिक्स रहे 14 जनवरी के, लेकिन अब कल के छोड़ के कुछ लोग कल मना लेना, कुछ लोग आज मनावत हो। मकर संक्रांति की रात्रि में 12 बजे और ये सुरेंद्र यादव जी का सम्मान हो रहा है, और प्रधान जी सम्मान कर रहे हैं सुरेंद्र यादव जी के सम्मान में, जोरदार तालियों का सम्मान करिए आप लोग। करत का हुआ मास्टर, मकर संक्रांति की रात्रि में 12 बजे का कैलन हा। छोटी सी बच्ची कोयल यादव, श्रेयांश यादव, एक शुक्र पे का पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये बिरहा के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार बरैनी की धरती से, बिरहा के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार सुरेंद्र यादव जी, आपकी तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के, बहुत बहुत प्रणाम। राजहंसपाल उर्फ राजपाल बटौआ की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार हुआ के, बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के, बहुत बहुत प्रणाम। मकर संक्रांति की रात्रि में 12 बजे अरे बा, हाथ में फरुहा लेके, हाथ में फरुहा लेके नई का खुदाई करे लगलन, यही नई का खुदाई करे लगलन, भयंकर तूफान आयल और बगल में पीपल का बहुत बड़ा पेड़ रहा, भयंकर तूफान आयल, देखत ना हुआ खिचड़वार का मौसम है, रतिये से इतना भयंकर आंधी चलत है, इतना भयंकर तूफान चल रहा बा, लगभग 10 बजे से इतना तेज हवा है, रात्रि में भयंकर तूफान चलल, वही तू
पान के संग एगो भयंकर शैतान उतरल, वही पीपल के पेड़ से भयंकर शैतान उतरल और जाके शिवपाल के हथवा से फिर छड़ावे लगल, छतरी के जोर अदमावे लगल, दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया। आज जब दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया तो भयल का मास्टर गीत बदल गई और ये परमादनी सत्यनारायण तिवारी बटोवा की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सबगन के, बहुत बहुत प्रणाम। उमेश यादव बटोवा से 111 रुपए का पुरस्कार भैया के, बहुत बहुत प्रणाम। राजेश यादव बटोवा से 100 रुपए का पुरस्कार, भाजी के बहुत बहुत प्रणाम, सबलोगन के बहुत बहुत प्रणाम। कोनो दुल्हीन अपने मर्द से कहे, का कहे हो, का बताई हो, तोहरा के पा के तो हम तो एकदम धन धन हो गई बानी, जैसन सोचले रही मन में एकदम वो सही मिलल बड़ा, कैसन मिलल बड़ा कहे। जैसन सोचले रहनी जैसन सोचले रहनी वैसे पियवा मोर पड़े सावरन गोर पड़े की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के, बहुत बहुत प्रणाम सबलगन के, बहुत बहुत प्रणाम। शैतान और वीर शिवपाल में युद्ध चालू हो गयल, घमासान युद्ध चालू हो गयल। शिवपाल जब धक शैतान के चपले हुआन, एकदम चारों खाना चित्त हो गयल, एकदम चारों खाना चित्त हो गयल, सिनेमा पर चढ़ के उमक दिलन, कहे बेटा हमार जान मतलब बेटा, पैरवा पकड़ के रोवे लगल, ए बेटा हमार जान छोड़ दो, ए बेटा अरे भाई हम तो तुहार परीक्षा लेवे आई रहली, भगवान भोलेनाथ के भेजल हुआ दू तो तुहार परीक्षा लेवे आई रहली, नाम का पहलवान हुआ कि काम का पहलवान हुआ, इस परीक्षा में तू पास हो गई रहा। जवन लाल निगोटा शैतान पहले रहलू है, निगोटा निकाल के शिवपाल की हथवा में देख के कले कि ये बेटा ये निगोटा लगा के जो ना भी अखाड़े पे तू पहलवानी लड़े जीबा, तब हो तो केहू हरा ना सकी। लेकिन एक बात का ध्यान रखी हो, ये भेद कबो केहू से बतैया मत, ये भेद यदि केहू से बता देवा जो ना दिन बता
वही दिन से कर शक्ति गायब हो जाई, इतना कह के शैतान गायब हो गई। और इधर बहनिया पेड़ के आड़े से छुप के सारी बतिया सुनत रही। जब बहनिया पर नजर पड़ल तो जाके समझावे कैसे मास्टर गीत बदल गए। रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गीत के गावत रहलन, गाय की दुनिया से चल गई। हाँ, तो हम लोग चलब। हाँ, गाय के घरे होश में बोला लो। अरे यहाँ से गाय यदि हम दोनों गवैये चल जाई। हाँ, तो तू लोग का बंडा छिल दूसरे को बजावल जाई। वो नसीब ना हुई, जब हम चल जाए तो वो नसीब ना हुई। कहे गावे कैसे गावे मास्टर। समझावे कहे बहिन, ए बहिन समझावे कैसे। सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। राजहंसपाल इलेक्ट्रिक मैन 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। राजा के घर तोहर सदिया रचऊ भई, अपने हाथे गली में शादी रचाई हम। बहिन ललिता का शादी खोजत खोजत शिवपाल ऐलन कहा मिर्जापुर बबुरी बन के गाँव। ले ले पैसा तो जय गुरुदेव। सुरेंद्र यादव बटवा की धरती से माँ आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। मिर्जापुर बबुरी बन के गाँव बहिन ललिता का बियाह कैलन। ललिता अपने ससुरार आ गई। ललिता ससुरार में आ गई फिर जाके शिवपाल वही जंगल में बकरी चरावे लगलन। वही जंगल में बकरी चरावे लगल डाल पे बैठ के डाल ओना के बकरी के चारा खियावत हुआ। तबले अंग्रेज का चमचा, अंग्रेज का चमचा लुट्टो सिंह पंजाबी अरे भाई आता है उसी जंगल में, आवाज देता है अरे ओ बकरी चराने वाले ए गड़रिया।
बकरी का केवल गडेरिया चरावेलन खानदानी हो लोगन के खानदानी भले हो लेकिन अब तक सब धंधा बना ले हो गडेरिया भेड़ चरावे लगे गडेरियन के देखबा तो बकरी कम हो गई है अदर बिरादरी में ज्यादा हो गई है भेड़ पीछे से दुहल जाले दुहे है काय का बार हां एकात लात मस्की ना तो हां तबे के दांतन का टूटा हुआ देख ले वही पत्थरे में कह रहे बकरी चराने वाले जरा ये तो बताओ तुम्हारे गांव में कोई ठाकुर शिवपाल सिंह है क्या ठाकुर साहब सोचे लगले कि हमें कहीं पूछता हूँ बुलाते कहीं आओ ओ हेलो आओ वहाँ क्या कर रहे हो आओ 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 हमारे बकरी चारा खिलाओ बुलाते हैं यहाँ आओ डाल पे बैठ के डाल ओना के मेरे बकरी को चारा खिलाओ मैं जा रहा हूँ ठाकुर साहब को बुला के ले आऊंगा यही अंग्रेज के चमचा के डलिया पे बैठौलन डलिया पे बैठा के ठाकुर साहब नीचे उतरलन अरे बाप रे बाप डाल ऊपर हो गई अंग्रेज का चमचा ऊपर टंगल आवाज देवे लगल ठाकुर साहब अंदाजा हो गया कि यही ठाकुर साहब होवन के बचा ले ना तो यही से गिरे ना तो कोनो रे कोनो हड्डी पसली चूर होइए जाई कौड़िया अस्पताल में तो न जाई पड़ी उतार के अंग्रेज के चमचा के लेके गइलन मामा अपने घरे 6 महीना तक खिया पिया के एकदम पाठा पहलवान बना देलन 6 महीना के बाद पहलवानी दंगल का ऐलान हो गया अंग्रेज के तरफ से अरे वाह कहां बक्सीबान इलाहाबाद दारागंज में जहाँ इस समय प्रयागराज में मेला लगल बा इस समय प्रयागराज का नजारा देखे लायक हम वो पुले पर से दिन में नहीं वो राती में वहाँ तो कजानी कैठे बछिया के बदले में बछवा चला जाता हूँ जाब कब गौ दान करे तो पता चले पक्के घाटे यस पंडा ठग ही न कि बुद्धि तुम्हार खप्त हो जाए मामा लेकिन यहाँ 6 महीना के बाद जब पहलवानी दंगल का ऐलान भयल अंग्रेज के तरफ से इनाम रखल गई 5 गांव तमाम रुपया पैसा हीरा जवाहरात इनाम में दी जो भी लुट्टा सिंह पंजाबी के हराई के मिली अरे बतिया के जब सुनल शिवपाल तैयारी करे लग रहा तैयारी करके चलन कैसे मास्टर गीत बदल गई कहे का कहे बड़ा मरद बनने ताड़ा ना तो चला चला हम के मरद नहीं है छोड़ के आवा तू आज कुल मर्दांगनी समझ में आ जाई मेहरारू कहे लेकिन कहे ना ना जाई तो अरे नहीं हर में कुछ गड़बड़ है कौन गड़बड़ है कहे Thank you.
से मिलल रहे उहे निगोटा चढ़ा कर रियाज मारत के खड़वा पे चल रहा हूँ। बड़े ही सम्मानित आप मुन्ना यादव दीवान जी कहां से आपकी तरफ से वीरपुर से माँ वीरपुर ना अच्छा मीरपुर आपकी तरह से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब लगन के बहुत बहुत प्रणाम माँ बा चचो को ले लो भैया रे बड़े ही सम्मानित आप ओमकार नाथ पाल ओम प्रकाश पाल के चचा हुआ आपकी तरह से सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार चरण छुके प्रणाम आशीर्वाद दी की बिटिया अपने कला में कामयाब हो सके। बड़ा दिन से ओम प्रकाश भैया फोन करत रहा कब आईबा लोग इधर कब मुलाकात हुई बाबा आज राति में रोकी है लोग इधर रियाज मारत के अखाड़े पे चलन कहन रे एकरा के देखा हो एकरा के देखा हमरे आगे आयल हो पहलवानी दिखा दे अखाड़वा पे चढ़ के रियाज मारत हुआन तेरी के भाव में कहना बा मास्टर खाली ना रही जब तक इस शरीर में जान भाई देश का शान कैसे जाई अखाड़े पे चढ़ कर रियाज मारत हुआ लिया देखा ये पूरा डाल दिला इतना जबरदस्त तो माला पहनावत हुआ की हवा तो जी घबरा गयल जय प्रकाश पाल आपकी तरह से कहा तुम्हें कोनो बुलेट का गाना गावे लू का बढ़िया से को गा दे तू बैठी का वहां पे आपकी तरह से सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार और ओम प्रकाश भैया के भाई हवन बहुत बहुत प्रणाम सब लगन के बहुत बहुत प्रणाम नमोआ बोले हैं भैया जय प्रकाश पाल ना जय प्रकाश पाल सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम सब लगन के बहुत बहुत प्रणाम अखाड़ा पे चढ़ कर रियाज मारत हुआन और उधर अंग्रेज का चमचा लुट्टो सिख पंजाबी भी रियाज मार रहल बा इधर दौड़े अंग्रेज का चमचा तो बिचवा से घुस के ठाकुर साहब वो बाहर निकल जाए यही पैरवा आगे बढ़ावे तो पैरवा के नीचवा से घुस के वो तरफ निकल जाए ये कहे पैरवा के नीचवा से निकलत रहल जंघिया में से निकल को पार हो जात रहे बहुत खराब पहलवान कैसे दाव खेलेलन कबो पहलवानन के पहलवानी लड़त के देखा तो समझ में आई उनके चक्कर आ जाते देखे लगे थे तो चला 20 तारीख के है बिरहा तो सवेरे से दंगल है पहलवानी दंगल भी है पहले से जाके पहले पहलवानी दंगल देख लिया बिरहा बाद में गई हमें लड़ाऊ हाँ रियाज मारत हुआ चढ़ के अरे भाई सोचे कैसे पकड़ी रियाज मारत हुआ तब ले दाव बोला ये 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 देखा भाई है तो गड़बड़ हो दाव मिलिया तो गोल धो के सारे के चपले हुआन एकदम चारों खाना चित हो गया अरे भाई सिनेमा पे चढ़ के होमक दल मुहे से खून फेंक दल
चलल अब अपन इनाम लेवे खातिर कैसे मिर्जापुर चोलरिया के भाव में कहना बा मास्टर। सम्मानित आप राजेंद्र प्रसाद यादव ग्राम सुकठी की धरती से सुंदर पंखुड़ियों में गुना हुआ पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। ओम प्रकाश यादव आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। इस देश के शान बचा के जवान अरे वाह गए अपन इनाम लेके 5 गांव तमाम रुपया पैसा हीरा जवाहरात इनाम में मिलल इनाम लेके घरे पहुंचलन और यहाँ का कहानी अब यही जगह छोड़ी। कहानी आगे बढ़ल कहा बबुरी बन के गाँव ललिता बहन के ससुराल में जितना पहलवान ठाकुर साहब रहा से कम ललिता बहन ना रही। ललिता बहन जब 4 बजे भोरहरी में उठे तो जवान पहले के जमाने में गन्ना पेरे वाला कोल्हू रहे पत्थर वाला एके पकड़ के तरह से तरह घुमा दे। कई दिन परिवार वाले देखलन एक दिन ललिता के सासु पहरा पड़ले पहरा पड़ के देख के गई ललिता के पति से बतौली तो ललिता का पति पूछे लगल तो ललिता करी हाँ हमें का पहलवान देखत हुआ हमसे भी ज्यादा पहलवान तो हमारे भाई शिवपाल हुआ जेके शैतान बिहार के वरदान में वरदानी निगोटा दे ले बा। अरे बाप रे बाप एक ही पल में पूरा पुलवे खोल देली कहल जाला औरतन के पेट में भोजन पच जाले को बात ना पचेले बहुत खराब जात होली ने औरत यदि कोनो बात सुन ली है ना कहीं ये जानू हो बही जानू आज फलनवा कहीं आज फलनवा खियो ना जे भी रोजी रतिया में चल जाले ना के देवा भी आके इनकर दुलहिन न जानी कोना के बुलावेली हो पूरा गंगा में हल्ला हो गया हाँ केहू से कहत नहीं है हम लेकिन हम केहू से कहत नहीं तो अपन समझ के कह दे बनी दूसरा से मत बताई हाँ। अरे बाप रे बाप दूसरा से बताऊ तो ना पूरा गांव हल्ला हो गया के कहले है अरे फलानवा वो कहली हो दीना यादव बटुआ की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। यही पता चलल भानोई साहब चिट्ठी लिखलन शिवपाल के चिट्ठी शिवपाल के लिखलन अरे बाप रे बाप
जे ही चिट्ठी मिलल बा घोड़ा पे घोड़ सवारी कैलन पहुंचलन कहां बबुरी बन के गाँव, बबुरी बन के गाँव पहुंचलन। जय मुहूर्त कैप्टन, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जय प्रकाश यादव, 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। सुलगन के बहुत बहुत प्रणाम। जय ही पता चलल घोड़ा पे घोड़ सवारी के पहुंचलन कहां बन वही साहब के गाँव, केहू दाना पानी भी ना पूछलन, घोड़ा के बांधे खाती खूटा ना मिलत है, फेल का मास्टर आल्हा के भावे कहना बा। अरे बाप रे बाप, घोड़ा पे घोड़ सवारी करके पहुंचलन बहनोई के गाँव, केहू दाना पानी भी ना पूछलस, घोड़ा के बांधे खाती खूटा पूछे लगले, खूटा भी ना मिलल। जितना बबुरी बन के गाँव में बबूर रहल, कटवा के वही के गढ़वा के बहनोई साहब खूटा बनवा दिलन, कहला कि जा जाके घोड़ा के बांधे खाती खूटा उखाड़ ला। पूरा मेहनत करके खूटा गैलन उखाड़े, खुटा तो खा ले पूरे शरीर से रक्त निकले लागल, काफी परेशान भइलन, बीमार हो गए, एक दिन घरे आ गइलन। एक दिन राति में सपना देखत हुवन, परिवार वालों से कले ले चल के मैं काशी नगरी में छोड़ दा, काशी नगरी में जाके गंगा स्नान कर, काशी विश्वनाथ दर्शन कैलन, कुछ दिन काशी नगरी में रह के एक दिन समय आ गया, अपन प्राण के त्याग दिलन। जब ठाकुर साहब अपन प्राण के त्याग दिले, तब कवि जी के आखिरी प्रमाण में लिखे के पड़ल, जुग जुग गावे खातिर मर कहानी बन।
धरती माता की शान बचाते बचाते धरती माता की गोद में समाही ले लिए। जाके कुछ दिन काशी नगरी में रह के सुपाल सिंह काशी विश्वनाथ दर्शन कैलन। कुछ दिन काशी नगरी में रह के अपन प्राण के त्याग दिलन। आखरी प्रवाह में कवि जी के गुरु घराने के परिचय लिखे के बढ़ल। अपत्य गुरु छह वर स्वामी स्वर्ग की राह पे आयल हुआ हो तो कहले तब तो चलो ना खिचवाड़ का बाहर बा कहीं चलो घुमा दो। कहे कहा चलबू कहे जहां लिया चका चला कहीं दर्शन करे चल जाए। तो दर्शन करे जात होवन कैसे पुरस्कार।
अच्छा जयप्रकाश पाल कहत में ही के फिर से दोहराए दा एक सौ रुपए का पुरस्कार से अब देवालाल जी के नंबर आ गए।